अरब में संपत्ति विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने एक बार फिर से तांडव मचाया, जहां खेत की सोहनी के सिलसिले में बाइक पर सवार होकर जा रहे दो सहोदर किसान भाइयों को सरेराह बीच रास्ते में हथियार से लैस बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की इस घटना में बड़े भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे गंभीर हालत में पुलिस के द्वारा इलाज के लिए आरएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जिले के सहार थाना क्षेत्र के पेहराप गांव की है। मृतक पेहराप गांव निवासी गोविंदाचारी के 55 वर्षीय पुत्र कमलेश राय है, जबकि घायल मृतक का छोटा भाई 35 वर्षीय मनोरंजन राय है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई पेशे से किसान हैं और गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। जानकारी के अनुसार आज सुबह दोनों बाइक पर सवार होकर गांव के पास ही खेत में सोहनी कराने के संबंध में बातचीत करने जा रहे थे। इस बीच पहले से घात लगाए गांव के प्रियांशु कुमार सहित दो नामजद बदमाश अचानक बाइक को रोककर जानलेवा हमला करते हुए उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जहां इस घटना में कमलेश राय की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका छोटा भाई मनोरंजन राय को भी छाती और बाएं साइड कंधे में गोली लग गई और वह जख्मी हो गए। हालांकि घायल मनोरंजन राय वहां से किसी तरह जान बचा कर निकल गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस गिरफ्तार किए हैं, एक अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, बार बार थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और तत्काल घायल को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भेज दिया। इसके साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर पूरे मामले की छानबीन और साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। इधर घायल मनोरंजन राय ने बताया कि पूर्व के दुश्मनी को लेकर गाँव के ही प्रियांशु कुमार और उसके भाई रहे युवक आज जब हम और हमारे बड़े भाई खेत में सोहनी के काम के लिए जा रहे थे, तभी ये लोग बाइक को रोककर हम लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेरे बड़े भाई कमलेश राय की गोली लगने से मौत हो गई और मुझे भी गोली लग गई है, जिससे मैं जख्मी हो गया हूँ। घायल मनोरंजन ने बताया कि आज जिन लोगों ने हम लोगों पर फायरिंग किया और मेरे बड़े भाई का हत्या किया, इन्हीं लोगों ने तकरीबन 4.5 महीने पूर्व भी हमारे भाई कमलेश राय जो अब मर चुके हैं, इनके इकलौते पुत्र आदित्य राय को चंद कुछ जमीन के विवाद को लेकर गोली मार कर हत्या कर दिया था और उसी समय से इन लोगों से रंजिश चली आ रही है। घटनास्थल पर पहुंचे सहार थाना में तैनात बीके पांडे ने बताया कि हम लोगों को जानकारी मिली कि पेहराप गाँव में पहले के आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। घटना घटल घरे से आवत रही भाई साहब के पहुँचावत रही रोड पर, वही पहले ही से अपना छिपर हम जाए को देवाल तक मोड़ मोड़ था, वही मोड़े से पहले हमारा पर वार किया, ओकर बाद भाई साहब के धड़ा धड़ा हम भाग गए वहाँ से, भाग कर दूसरा के घर में लुका गए और भाई साहब के सटा सटा गोली देह को दे दिया। अच्छा, मतलब हो गया क्या? हाँ, वो डेथ हो गया। अच्छा, मतलब दो लोगों को गोली लगाए, एक आदमी मर गया? दो लोग के नहीं, एक लोग मर गए, हम घायल हो गए। अच्छा, घायल। क्या विवाद कारण क्या? विवाद तो सर कुछ के नहीं है। हाँ, कौन थे मारने वाले? मारने वाला प्रियांशु कुमार, एक को हम नहीं चीज। आखिर पहले से कोई झगड़ा उगड़ा कुछ तो हुआ? कुछ नहीं झगड़ा, किसी बात का झगड़ा नहीं है। अच्छा, गाँव के ही लोग है? हाँ, गाँव के। कितना लोग था लोग मारने वाले? दो। पहले से घाट लगाए? हाँ, छिपर रहा। घर कहाँ है? पेहराप।
कौन थाना पड़ता है? सहार थाना। क्या नाम है आपका? मनोरंजन राय। पहले भी जो मृतक है उनके लड़के का भी हत्या हुआ है? हाँ, 4 महीना पहले हुआ है। अच्छा, वो किस लिए हुआ था? वो किस लिए? वो दोबारे दलाल पर बैठल थे। हाँ। वही लेकर ये कांड किया है। तो उसमें जो आरोपी थे, बदमाश थे, वो फरार थे क्या? हाँ, फरार थे, वही मारा है। अच्छा, वही लोग मारा है? हाँ, मैंने पहले बेटे को मारा, बाप को मार दिया? हाँ, हम भाइयों को मार दिया। अच्छा, भाइयों को मार दिया। विवाद का कारण कुछ नहीं पता चल रहा? हाँ, कुछ हमारा जानकारी है। वो वाला जो पहले जो मौत हुई थी उसमें जमीन का भी कुछ मामला आया? हमारा कुछ नहीं। आपको ये सब नहीं? हमारा अपना काम से हम दूसरा के फेरा में नहीं चलते। आप रहते हैं कहाँ? कहीं रहते हैं? गाँव में अपना खेती गृहस्थी करवाते थे। सोहनी खाती हम गए थे, सोहनी खोजने के मार दिया। तो सोहनी तो दुआर पर अइली तो कहल कि तनी रोडवा पर छोड़ दे, हमारा रोड पर छोड़ जा, ये हमारा भगना जो हम खोज रहे।